चलते हैं क्रोम में और यहाँ पर ड्यू सोल सर्च करते हैं। यहाँ पर ड्यू सोल मैंने सर्च कर लिया और स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये मांगेगा हमसे बार कोड एंड सोल रोल नंबर, तो इसे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया है और ये मेरा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये सबसे ऊपर क्लिक करना है, सबसे ऊपर में ब्लू कलर का जो है, येलो वाले के नीचे वाले पे। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल डाल के इसे अपडेट कर देना है। ठीक है, तो मैंने कर रखा है इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ, क्लोज़ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, ठीक है यही बता देता हूँ पहले मैं। तो आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, नीचे आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ लिखा पड़ा है। ठीक है, तो अब मैं आपको OBE के पोर्टल पर ले चलता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपना एग्ज़ाम रोल नंबर डालना है जो मैंने पहले से कर रखा था सेव, तो मैं यहाँ पर ओनली वो डाल देता हूँ। फिर यहाँ पर कैप्चा डालना है, तो आप यहाँ पे अपना कैप्चा डाल दें। आपको अपना रोल नंबर और पासवर्ड याद होगा, आप वो डालना और जो कैप्चा आएगा नीचे वो कैप्चा फिल कर देना। तो ये कैप्चा फिल कर देता हूँ मैं, IJD। लॉगिन पे क्लिक कर दिया मैंने और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लॉगिन हो गया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले ओपन बुक एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है, क्लिक हियर पे। अब जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सर्च करने के लिए देता है, नीचे जो जो पेपर है वो दिखाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, जितनी तारीख है उस पर क्लिक करके सर्च करना है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे, जैसे क्रॉस कर देते हैं, तो आपके नीचे में आ जाएगा पेपर का नाम और ये चीज़ें कितनी देर बाद ये डाउनलोड होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं अभी 1 घंटा 14 मिनट के लगभग है, तो वेट करते हैं हम तब तक। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम जब डालते हैं ना तो एरर हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो उन सबको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आप कुछ मत करना, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो और जे ध्यान से देखो, स्किप मत करना वीडियो को, एकदम ध्यान से देखना। स्किप कर दोगे फिर कोई एक चीज़ छूट जाएगा, फिर आप बोलोगे। तो हम यहाँ से इसे लॉग आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें लॉग आउट नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, देख सकते हैं आप 19 डेट वगैरह सब कुछ डली हुई है, टाइमिंग दिखा रहा है कब अपलोड करना है। अभी तो खैर डाउनलोड ही नहीं हुआ तो अपलोड ही क्या बताएगा ये। तो अब देखो ये टैब है, ये मैंने टैब ऊपर देखो टैब का ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जहाँ पे 5 लिखा है ना, इस पर क्लिक करके आप इसे रख सकते हैं, इसे बंद मत करना यहाँ से। ये देखो ये ओपन हो गया, इसे यहाँ से आप बंद मत करना। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को फिर से देख लो, ये टैब है यहाँ से ये ओपन हो जाता है, इसे पूरा क्लोज मत करना। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, पूरे 1 घंटे बाद आया हूँ और देखो अब ये क्या दिखा रहा है। तो आपको इसे सिंपली कंटिन्यू कर देना है, इसे कंटिन्यू आप जैसे ही करेंगे तो आप देखो 2 मिनट बचे हैं, तो अब 2 मिनट आप वेट कर लीजिए, तब तक मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं हल्का सा। तो एक बात पता है आप लोगों को, जब हम उसे क्लोज टैब कर देते हैं ना तो हमारे सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पाता है, वो अंदर ही रह जाता है और सर्वर पे लोड पड़ता है बहुत सारा। तो कितने बच्चों का कनेक्ट हो जाता है सर्वर से और कितने बच्चों का नहीं हो पाता है सर्वर से कनेक्ट, इस कारण से ये होता है कि मतलब हम जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता, हम अपलोड करते हैं तो वो एरर आ जाता है। और पहले से ही उसे हम कनेक्ट करके रखते हैं, मतलब टैब के अंदर रखते हैं, तो उसे पता होता है नहीं भाई इस यूज़र को ये सर्वर हमें देना है, इसलिए ये एरर नहीं होगा। और आप लोग क्या करते हैं, जब ओपन मतलब पहले क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया, पूरा सब कुछ बैक कर दिया, फिर आप अपना भर भर के लिख लेते हो, बुक में से ही लिखो जाए कहीं से भी लिखो, लिखते तो हो ना, भर भर के लिख लेते हो। और जब आप फोटो खींच के PDF बना के जैसे भी अपलोड करते हो, आप अपलोड करते टाइम पे जाते हो तो उसे सर्वर मिलता नहीं है, वो एरर दिखा देता है, फिर आप सोचते हो ये कैसे हो गया। तो इसके लिए वैसे ड्यू की वेबसाइट भी है, आप वहाँ पर भी, वेबसाइट नहीं है सॉरी, वो ईमेल है, आप वहाँ पर भी डायरेक्ट भेज सकते हैं, रीज़न लिख सकते हैं क्यों आपने भेजा है इस पर, और 10-15 शायद आधे घंटे तक वो वैलिड होता है, उसके बाद आप भेजते हैं तो शायद वो नहीं लेता है। इसलिए आप अगर इसमें नहीं होता, जैसे मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ इस तरीके से 100% हो जाएगा, मैं भी ऐसे करता हूँ, तो आप अगर इस तरीके से भी नहीं होता है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। एक और तरीका है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, लेकिन मैं 100% आपकी गारंटी लेता हूँ, अगर जैसा मैंने आपको बताया है आप ऐसा ही करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको ना मेल भेजने की ज़रूरत है, ना जो एक दूसरा मेथड है, वैसे आप ऑफिशियली तरीके से करो जैसे मैं आपको बता रहा हूं।
जैसा कि टाइम ख़त्म हो गया पूरा और क्लिक हेयर का ऑप्शन आ गया है, हम क्लिक हेयर करते हैं इस पर। तो ये कुछ गाइडलाइंस है, आप इसे पढ़ लो, मैं पढ़ूंगा नहीं। खैर 4 घंटे मिले हैं, इतना आप बस याद रखना और कुछ नहीं। और PWD वालों के लिए 6 घंटे हैं, और कोई भी चीज़ आप अपलोड करते हो तो 7 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस दो चीज़ इसमें अच्छी है, बाकी आपको जो अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं। तो देख लो, आप पढ़ लो इसमें आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है? और बस ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, विदाउट लॉगिन के मना कर रहा है। तो आई एग्री पे हम क्लिक करते हैं और जल्दी से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा डाउनलोड पेपर का ऑप्शन आ चुका है ब्लू कलर का। तो हम यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड पेपर को करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, तो डाउनलोड हो गया। अरे यार ये क्या आ गया। तो इसमें गाइस जो भी चीज़ आपको नहीं पता चलता ना, आप आंसर शीट पे लिखते हो तो वो सब कुछ देखो इसके ऊपर में लिखा हुआ है, यूनिकोड और जो भी हो कोर्स नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन नीचे वाले की लेनी है, जो 7 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आए हैं इसकी टेंशन लो, जितनी टेंशन ले सकते हो उतनी टेंशन लो। नहीं गाइस टेंशन मत लेना, ध्यान से देखो, क्वेश्चन अच्छे हैं, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ये शायद हमने 11th में पढ़ चुके हैं, 11th 12th में पढ़ चुके हैं। तो देखो ये ऐड फाइल का ऑप्शन आ रहा है, आपको ऐसे ऐड करना है। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक मेरा दोस्त था उसने क्या किया, ऐड फाइल कर दिया और अपलोड नहीं किया। तो अब मैंने एक क्वेश्चन कर लिया है, अब मैं आपको बताता हूँ देखो कैसे करना है। ऐड फाइल पे क्लिक करना है, मैंने PDF बना लिया है, क्वेश्चन फर्स्ट में अपलोड करने आया हूँ। फाइल पे क्लिक करना है, किसी किसी का यहाँ पे आ जाता है तो अच्छी बात है, जिसका नहीं आता वो 3 लाइन पे क्लिक करें और जहाँ पे उसने PDF बनाया वहाँ से अटैच कर दे। तो मैं 3 लाइन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे डाउनलोड्स पे, और सबसे नीचे जाता हूँ फाइल मैनेजर में, किधर गया ये रहा, इंटरनल से स्टोरेज पे जाऊँगा और मैं डॉक्यूमेंट में जाऊँगा, डॉक्यूमेंट ये रहा, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करूँगा, यार किधर गया ये रहा, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें, अडोब स्कैनर पे जाऊँगा और देखो मैंने सबसे नीचे पॉलिटिकल आंसर कर रखा है। तो गाइस इसके बाद आपको स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करना है, देखो अपलोड हो चुका है मेरा एक क्वेश्चन, ठीक है? ये चीज़ सब याद रखना, भूल मत जाना कोई सा भी, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो आप सिंपली कैप को ऐसे बंद करके अपना क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अब जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया, आपको फाइल पे क्लिक करना है, फिर से आपको ऐसे आना है, फिर आपको जहां आपने रख रखा है वहां से फाइल को अटैच करना है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हो, तुरंत रिप्लाई मिलेगा आपको। तो गाइस इसको भी मैंने अटैच करके अपलोड कर दिया है, ठीक है? तो देख सकते हो ब्लू टिक आ गया। ऐसे आपको सारे करने हैं, ठीक है? ऐसे कर करके आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं और अपलोड करने हैं इस पर, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। ओके कर देना है, मैं सबमिट कर देता हूँ। तो आप देख लो आपने कौन कौन से क्वेश्चन करे, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करे, ठीक है? आप यहाँ पे अपना वेरीफाई कर लो, मैंने हाँ ये किया है, ये चीज़ नहीं किया। फिर आई एग्री पे क्लिक करके आई एग्री सबमिटेड पे करना है, ओके क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ओके क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगी पॉपअप टाइप का, वो आप अभी आएगी, ओके ओके करते हैं। तो आप देख सकते हो आ गया है कि आपको इस नंबर पे मेल भेज दिया जाएगा और आपने सबमिटेड सक्सेसफुली कर दिया है। तो आपको मैं ले चलता हूँ मेल में, ठीक है? जीमेल में इसकी एक स्क्रीनशॉट मार लेते हैं, मैंने मार ली, और अब चलते हैं जीमेल में। जीमेल ओपन करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करा मैंने, अभी तक नहीं आया, आ रहा होगा, रास्ते में होगा शायद। तो अब आ गया है, ठीक है? देख सकते हैं रास्ते में था, आ गया है। तो आप देख सकते हैं ये रहा, इन्होंने भी कह दिया कि हाँ हमारे फोन सक्सेसफुली सबमिटेड आपका हो गया है। इसकी भी एक स्क्रीनशॉट मार लेते हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।